Assalamualaikum viewers, welcome to Sumbul का किचन। आज हमारे किचन में बन रही है मूंग दाल। मूंग दाल बनाने के लिए मैंने आधा पाव मूंग दाल ली है, जिसे मैंने भिगो लिया था 15 मिनट के लिए। और हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें ली हैं 3 अदद, 2 अदद मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और तकरीबन बिल्कुल थोड़ी सी प्याज ली है। अब सबसे पहले हम इसमें ऑयल डाल देंगे, तकरीबन हमें इसमें 1 चम्मच ऑयल डालना है। ये देखिए मैंने इतना ऑयल लिया है, इसमें डाल देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। हमारी प्याज ब्राउन होने लगी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ज्यादा आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी दाल। ऐसे आप दाल बनाएंगे, आपको दाल के शुरू में ही पता चल जाएगा दाल बड़ी मजे की बनने वाली है। आप अपने घर में जरूर ट्राई किएगा, अगर आप ऐसे दाल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। सबसे मेन बात कि बहुत ही अच्छी खुशबू आने वाली है। हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे और हम अपने टमाटर डाल देंगे। मैं नॉन स्पाइसी बना रही हूँ, अगर स्पाइसी आप दाल खाना चाहें तो आप 1 टीस्पून हरी मिर्च ले लीजिएगा, आधा पाव डाल लें, ठीक है। अब आप इसको भून लें। इस दाल को देखें, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी है, आप इस दाल को इतना भून लें कि ये पानी खुश्क हो जाए और फिर इसमें पानी ऐड करके आप दाल को चढ़ा दें। देखिए व्यूअर्स, देखिए हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर रहे हैं। कितने कप? 2 कप पानी हम इसमें ऐड करेंगे। 2 कप पानी इसमें चला गया। अब हम दाल को 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे और फिर उसके बाद आकर आपको बताएंगे कि दाल कैसी होगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी दाल तैयार हो गई है। ये देखें, ये अच्छी तरह तैयार हो गई है और ये अच्छी तरह घुट गई है। मैंने इस चम्मच की मदद से इसको ऐसे ऐसे करके, जब ये तैयार हो गई पूरी तो ऐसे ऐसे चम्मच की मदद से, या दाल घोटनी भी आती है उसकी मदद से आप दाल को घोट सकते हैं। मैंने इसकी मदद से ये दाल घोट ली थी। हमारी दाल रेडी हो गई है, अब हम इसमें बघार लगाएंगे। देखें, बघार लगाने के लिए मैंने एक छोटी प्याज ली है, 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है और 4 अदद मैंने ये गोल मिर्चे लिए हैं और 1 अदद मैंने लहसुन का जवा ले लिया था जो मैंने बारीक काट लिया है। अब हम इसमें बघार लगाएंगे। तो दाल को उठा के हम स्टैंड पे रख देते हैं और इसमें रख देते हैं हम फ्राई पैन। फ्राई पैन हमने रख दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1/2 कप ऑयल। तेल हमारा गरम हो गया है, थोड़ा थोड़ा तब हम इसमें प्याज को डाल देते हैं। प्याज को हम पहले डालेंगे और डाल के ब्राउन कर लेंगे। ये जैसी ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसमें ये सारी चीजें डाल देंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा लहसुन लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें दाल में लगा देते हैं बघार। ये देखें, अब हम दाल में बघार। ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी दाल तैयार हुई है बघार लगाने के बाद। अब हम इसमें हमारा हरा धनिया ऐड कर दिया हमने, इसमें हरा धनिया और ये हरी मिर्चें डालकर और ये गरम मसाला पॉइंट पे हमने गरम मसाला डाल के, ये देखें गरम मसाला डाल के अब हम इसको मध्यम आंच पे रख देंगे ढककर 5 मिनट के लिए। ये देखें, अब हम इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए व्यूअर्स, हमारी दाल तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मैंने ये दाल बनाई और आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर दिया करें।